राम राम साहब। फिलहाल मेरे पीछे तो देख लाग रहा होगा कुछ एक कंपनी का कुछ प्रोडक्ट ही जगह जैविक प्रोडक्ट भी हैं और रासायनिक प्रोडक्ट भी हैं। हालांकि आजकल कई लोग जैविक प्रोडक्ट भी चाहिए तो जैविक प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं और रासायनिक प्रोडक्ट चाहिए तो रासायनिक प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं। भाई साहब अपने साथ ही नाम परिचय ले से बातचीत कर सकें कि ये जगह सारा प्रोडक्ट ही के काम आवे के क्या 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 के चाहिए वह सारी बातचीत के ऊपर करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। नाम परिचय करवा दें। भाई साहब मारो नाम है विकास जी और मैं अटै सिक्कर का ही हाँ जी और आपनों होलसेल को काम है जी। आपने दुकाना पर भी सप्लाई हुआ है और डायरेक्ट किसान भी आप माल दे मतलब थोक को रिटेल को दोनों तरह का काम है आपने। और लगभग आपने ज़्यादा नहीं तो पीछे एक वीडियो गिरी आपा ना आपने काफ़ी काउंटरों से फ़ोन आयो कि यार हमारे रेट बहुत महंगी मिल रही है थे मान सप्लाई करो ना मेहमान माल भी दियो मासूआर मिले भी बहुत सा किसान। भाई जाहिर सी बात है कि जी प्रोडक्ट कोई महंगो मिलेगा तो वो किसान भी महंगो मिलेगा तो वो किसान भी आया बेबी आया बेबी ले गया और दुकान वाला आया बेबी ले गया। और अब बाहर सबसे मोटी समस्या चल रही है मूंगफली की। मूंगफली मूंगफली में समस्या कहीं चल रही है आप एक दवाई लगावा FS बिल्कुल विलोक्सम आपा कीड़ा की खातर लगावा गोजा लट के लिए भी गोजा लट के मान आपा 7 ml 1 kg बीज गया लगावा पर आ काम करे मात्र 30 दिन और फार्मर आ सोचे कि आपा दवाई लगा ली भी के बाद में आपने लट लागसी को नहीं तो वो भी को बहम है। अगर डेंटास्ट भी लगा ली तो भी वह काम करेगी सिर्फ 30 दिन भी की खातर आपा एक प्रोडक्ट ले रहे हैं एक कंपनी को बायोक्सम एक मान 5% तो थाइमोथोक्सोम है जी और 10% बायफेंथ्रीन है जी। ओ आपा 250 ml सिक्कर की बीघा मतलब 105 बाई 105 जी भी कमान 250 ml प्रति बीघा को जाए अगर 30 दिन की मूंगफली उगी और अगर आप वो डाल दियो तो गोजालट की गारंटी आपनी है मतलब लास्ट तक जी मतलब लास्ट तक बाद में गोजालट लाक्षी ही कोनी 90 दिन की वैरायटी है तो भी कोई दिक्कत कोनी और 120 दिन की है तो भी कोई दिक्कत कोनी ओ काई करसी भी पूरी लट ने और जगह भी का अंडा है बन पूरा नष्ट कर देसी और अगर लट लाग गई भी के बाद में आपा कोई भी दवाई दे दिया तो बाद दवाई से हाथी मर जाए पर वह लट नहीं मरे लट को नहीं। हाँ जना वो अपन प्री कमान पहले काम में लेना चाहिए बीज उपचारित के लिए आवे या बाद में डालना बाद में डाल पाता नहीं आवे बीज उपचारित नहीं को नहीं आवे जे मतलब आप यूं बीज उपचारित कर दियो तो 30 दिन बाद में अपन यह दवाई डालनी पड़ेगी दवाई डालनी खत्म हो जाए खत्म तो नहीं हो लेकिन एकदम मतलब कि नीचे चले जाए और भी का अंडा वगैरह भी नष्ट हो जाए भी बाद में कहीं हुए कि वो जब बन जाए ना अंडा सू जब वो गोजा लटवा बन जाए भी बाद में बहुत ज्यादा समस्या आवे एक मूंगफली के अंदर सबसे ज्यादा समस्या है काली जड़की यानी फंगस की समस्या फंगस की बिकले के उपचार है बिकले साहब है पहली तो एक दवाई आवे बाद 2 दिन पहली जब आप बिजाई करा जना बाद लगानी पड़े अगर बाद दवाई आप लगा दें जना लगभग तो काली जड़ आवे ही नहीं पर कोई का खेत में अगर फंगस है और ज्यादा काली जड़ की बीमारी हुआ है तो आ विलोवुड की एक वेरिक्स नाम की दवाई आवे आ अगर आप भी कमान डलवा दिया 250 ml प्रति बीघा कमान माटी मिलवा ये कोई भी मतलब खाद में बजरी में क्या भी मिला लगा डलवा दिया और ऊपर पानी आधी घंटा ही चलावा क्योंकि काली जड़ की बीमारी अठे ही है बिल्कुल ऊपर ही ना सिर्फ आधी घंटा ही अपन पानी चलानू है बिल्कुल बिसू इको रिजल्ट बहुत शानदार है 6% तो वैलिडामाइसिन है और 6% डाइफेगनाजोल है मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट और पेटेंटेड प्रोडक्ट है कंपनी का जी मतलब कि माखा गेल की बार पिछली बार फील्ड में गिरवाइड है ना अब तो शानदार रिजल्ट आयो डेमो भी डलवाया मैं डेमो डलवार बाद में बाका रिजल्ट भी देखा बाद में फार्मर नाम सुहार मांग ले जाओ लगा जगह ये डाल दिया बाका खेत में बाद में काली जड़ आवे ही को नहीं नाम सी को नहीं आसी बिल्कुल 100% और यह जगह विल सेल्फ है इको के काम है विल सेल्फ को मैं थाने बाद में बता पहले मैं थाने बता ब्रांड GR को जी ब्रांड GR एक बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट है मतलब जैविक है जैविक है जी एक मान कंपनी बताओ को नहीं कि मैं काई काई डाला पर मतलब एक मान लगभग 5-7 टाइप का खाद मिक्स में है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मान लो बिल्कुल और इन आपा अठे सिक्कर की भी काम 250 से 3 kg भी का को डलवावा मतलब 105 बाई 105 में 250 से 3 kg 250 से 3 kg जी और सबसे बढ़िया काम यो काई है वो पौधा की जान तो बढ़ाई बढ़ाई सी जब तब भी नॉन पार्टिकल जगह जमीन गवान पड़िया जी DAP आपा 5 kg गेर दी वो तो 2.5 kg ली 2.5 kg बाद जमीन में ये पड़ी रहेगी बिल्कुल पोटास आपा 10 kg गेर दी 5 kg काम में आएगा और 5 kg यही पड़े रहेगा बिल्कुल वह प्रोडक्ट का कहीं कर सी खींच जमीन सू और पौधा के लिए जब हम काम बन वापिस एक्टिव कर देसी हाँ बन एकदम एक्टिव कर देसी नॉन एक्टिव पड़े बन एक्टिव कर देसी और पौधा की जड़ तक ले जैसी पौधा की जड़ को विकास कर सी और लगभग अठिन सरदार शहर हुई हो आपने झुंझुनू हो बठिनो ब्रांड GR नाम सु मांगे नाम भी मतलब बड़ो शानदार रिजल्ट है
पीएच मान ने भी लेवल करे हां पीएच ने जहां अपनी पीएच ज्यादा होगी तो वो अगर आपा डाल दे ना वो पीएच ने एक पीएच कम कर दे सी या 7.5 है तो 6.5 कर दे सी 8.5 है तो 7.5 कर दे सी बिल्कुल हां मतलब कम हो जाए तो भी बढ़ा दे ज्यादा हो जाए तो भी बिल कम कर दे मतलब कि ऑल इन वन प्रोडक्ट हो जी मुंह प्लेम अपन नहीं करता दो बार अगर वो डाल दियो तो अपन बाद में कुछ कोई लोग जाइम ले रहा है बे ले रहा है कुछ डालबा की जरूरत ही को नहीं मतलब वो जैविक प्रोडक्ट डालनु उत्पादन भी सो आपने कहा खेती भी खराब होनी हुआ मतलब जमीन एकदम जमीन ने खोलवा काम करे बिल्कुल आपा ज्यादा डीएपी ज्यादा ये डालबा सो जमीन कड़क होगी बिन मुलायम करबा को काम भी वही करे बिल्कुल बाद में सल्फर जी अब बात चाली सल्फर की जी बहुत सी कंपनियों की सल्फर आवे महंगी भी आवे सस्ती भी आवे बिल्कुल एकदम रीजनेबल रेट जी और अति बढ़िया सल्फर अगर आप खेत में डाल छा तो 4 दिन अपन अति बढ़िया सुगंध आसी कि हाँ अपने खेत में कुछ डाले हुए मतलब अपनी ग्रीनरी है ना खेत की अलग ही रेसी हाँ और इन्हें ज्यादातर लोग सल्फर ने जाना है कि हीराली सल्फर दे दो मन मतलब हाँ एक ऊपर हीरो ब्रांडेड है लोगों का नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है जना कोई भी किसान भाई या कोई भी दुकानदार से वही निवेदन है कि अगर सल्फर बेचो तो विलोवुड की बेचनी है और बाद में मैं दो प्रोडक्ट और ले रहा हूँ गवार के बारे में तो मैंने बहुत पूछ रहा जी वो है वो गुआर सीकर का बिघा का मान 4 क्विंटल बिघा हो जाए 4 क्विंटल बिघा को 4 क्विंटल बिघा को और थाने मैं वीडियो पिछली बार दिखाई अब कल और दिखाऊं मैं जीओटी लगा भी लिए थे आप फोटो में थान दूंगा थे भी वीडियो में लगा जो कि फली जब उग गई ने जब सुबह का फली लागू चालू होगी बिल्कुल और माखा बिघा का मान 1.25 किलो बिघा कोई पड़े अगर ज्यादा अगर ज्यादा डाल दियो तो बाद में रिजल्ट होने वाला ज्यादा और सरदार शहर बठिन लो भी को मासू बड्डो है वो 165 by 165 बठिन या मान लो वो ज्यादा भी नहीं तो 8 से 10 क्विंटल बिघा हो जाए 8 से 10 क्विंटल हाँ इन पानी की कितनी की जरूरत पानी की नॉर्मल बारिश को पानी वह भी तैयार हो जाए नॉर्मल और कुछ पूछियो मेरे सू की वो खारा पानी में जाए तो खारा पानी में भी आगवारी हो जैसे मतलब जो बीकानेर चूरू बेलटाई के अंदर खारा पानी भी है खारा पानी के अंदर खारा पानी भी हो कोई दिक्कत को नहीं बिल्कुल और एक विलतारा ले रहा जो एक वो बाजरो आवे एक हाइट लगभग ज्यादा भी नहीं तो 10 से 11 फीट आवे बढ़िया बाजरो जाए 2.5-3 क्विंटल तक को एवरेज आ जाए शीटो मोटो आवे सबसे ज्यादा शिकायत कह रहे हो बाजराम की आडो पड़े लास्ट टाइम बारिश नहीं हुई टाइम आडो की समस्या हाँ वो आडो कौन पड़े जना एक ही खातर उपचारित करवा की खातर आप पाउच जरूर लगा जो 40% फिप्रोनिल 40% एमिडा है क्योंकि बाजरे के अंदर भी गोजोलट की समस्या आवे विलतारा नाम सु एक मान CTPR है 0.4% जी एक मतलब होगो जहाँ अगर आप इन 2 किलो पहली नीचे भिजवा दें ना लोग पहली हाँ बिजाई सु पहली जहाँ DAP बीजा पोटास बीजा भी टाइम अगर आप इन 2 किलो बीघा को भिजवा दें ना कहीं में क्या गोजोलट को नहीं गए एक आबा का चांस है 70% कम हो जाए 70% हाँ मतलब बहुत भारो टेक्निकल आवे कंपनी को जना वो कहीं कम से कम 3 महीना नहीं काम करे जगह के बहुत ज्यादा शिकायत मैंने गोजा लटकी बिना 2 किलो बीघा को नीचे बीजना चाहिए गोजा लटकी सबसे ज्यादा समस्या तो बीकानेर और शेखावाटी एरिया में सगला मैं कहीं कहूँ गोजा लटकी यानी की चीज है अगर भाई एक बार हुगी ने ना तभी नहीं पकड़े और दवाई में डुबो और वापस यहाँ रख दे सो ने तो भी वह मरे को नहीं पर दवाया से हाथी मर जैसी पर वह गोजा लटको मरे बिल्कुल हकीकत बात है जना फिर बी के लिए अपन हमेशा वो रेणु चाहे बी के लिए आप बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है क्लियर आया नब्बी का मान है ना जो को आपनी बहुत बढ़िया मदद तुसी बिल्कुल और बाद में मैं तुम बताऊँ घास की दवाई बाद में आप घास के ऊपर बिल्कुल घास के ऊपर जी आप कोई भी दुकान पर संभाल रहा हो ना आपने ओड़ मुआवे बिल्कुल एक आप पैट्री आउट आ बाहर से जितना भी चौड़ा पत्ता घास है ना बांध सन और हाँ और अगर आपने मोक तो मांगते हैं तो मतलब की दोनों की जलाबा की अपनी जिम्मेदारी है आप फुल जिम्मेदार और गारंटेड हाँ की वो घास पूरा जल जैसी और अगर मोरिया बाटी रेवे तो मोरिया बाटी की खातरी कंपनी क्या इंडी का मोरिया बाटी और सकड़ी पत्ती का जता भी घास बना पुरान जला देसी पुरान जला गवार और मूंगफली का हां दो मिलानी पड़ेगी हां और काली जड़ वाला मैं वापस बताऊं काली जड़ वाला वेरिक सी काम में लेनी है बिल्कुल आ डाल दी तो काली जड़ आज जको बूटो काली जड़ सु उठगो वो तो उठगो अगले दिन कोई सु भी बूटो काली जड़ नहीं हो बूटो कोई खराब एक मतलब विद इन 3 आवर्स मतलब दवाया भी 24 घंटा में काम करे बिल्कुल 3 घंटा में काम कर वो चालू कर देसी अच्छा आपको गेर तो नहीं 3 घंटा आपने रिजल्ट दी वो चालू देसी बिल्कुल बिल्कुल जना ए
और आप गोदाम में धान में दिखा दूँ, मतलब खूब स्टॉक पड़े है। चीज और आई है अब जी, घास को आपने सबसे ज्यादा समस्या रहे दूबड़ी। बिल्कुल, आप कहकरा दो पाउच लिया हुआ ग्लाइफोसेट की दो पुड़िया ले रहा हूँ, दो पुड़िया ने गेरा और भी स्प्रे करा, कदे तो भी सुजल जाए कदे कुंजल है। बिल्कुल, एक न्यू प्रोडक्ट है, एक मान ग्लाइफोसेट 30% है, पैराक्वाट 7.5% है। आप स्प्रे कर रहे हैं घूम छाने जना आप घास यहाँ से रख सी तो जल्दी असर उसी, मतलब कि बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, और भी सो सस्तो पड़ सी हो, सस्तो पड़ सी। हाँ, क्योंकि लिक्विड मेरे को ना हमेशा कहीं ग्रेनुअल में कोई चीज महंगी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ही भाई सारा प्रोडक्ट। हाँ, को यो जैविक प्रोडक्ट है, हाँ, जैविक प्रोडक्ट चाहिए वो जैविक है, जैविक है और साथ ही साथ रिजल्ट तो बढ़िया है कि मतलब आप आज अगर इन 2.5 किलो बीघा को मतलब 2.5 किलो बीघा को घेर दियो और कल शाम के आप देखेंगे तो अपनी फसल अति बढ़िया लहराती होगी कि मतलब आपने आके हम विश्वास को नहीं होगा कि यार अति बढ़िया प्रोडक्ट भी आप कहेंगे ना 10-10 किलो ली जाए हमारी बाल्टे लेवा। बिल्कुल, जयपुर में जमीन में कड़कपन भी कड़कपन आ जाए, आ कहीं जमीन ने खोल भी है खोले। और गोदाम में थान दिखा दूँ। बिल्कुल, आ जाओ, चलो चलता जाओ, देखता जाओ। आपा भी यहाँ भाई साहब पूरा क्वालिटी को ही काम करा जी, यहाँ अग्विलोवुड एमएनसी ग्रुप है ने आपा ही को प्रोडक्ट पूरा ही कोई बेचा और आपने बाजरा को और बाकी स्टॉक है गवार गुवारी को जी, कोई भी चीज़ चाहे फ़ोन पर कर दो, आपा फ़ोन की सुविधा भी उपलब्ध है, मतलब जी कोई ना ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए तो भाई भी उपलब्ध है। हाँ जी, हाँ, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी अपन फोन कर दियो, अपन आपको एड्रेस बता दियो। हाँ, ना ट्रांसपोर्ट या बस जी, जो भी फैसिलिटी उसी आप अपन वो माल। तो भाई ये है सारो प्रोडक्ट, आके कहने जैविक भी है रासायनिक भी है, बहुत सारे लोगों की डिमांड रहेगी मां जैविक चाहिए तो जैविक ले सको, रासायनिक चाहिए तो रासायनिक ले सको। बाकी हम पूरा एड्रेस पतो ले कड़िया की दुकान है, क्या का मोबाइल नंबर है भाई साहब आपको जो को थारी दुकान है भाई को एड्रेस बता दो और मोबाइल नंबर। भाई साहब हमारी मेन ब्रांच जो कि विकास सीडगी है जी, देखो सावली सर्किल को नहीं गए, सावली सर्किल से आप जयपुर का नहीं चला तो होटल उमराव है, होटल उमराव का डारी अपनी मेन रोड पर 6 दुकानें है और पीछे गोदाम है। कोई भी भाई आवे सावली सर्किल आलमन फोन कर दे जी, कह तो मैं मेरी लोकेशन भेज दे बिन जी, या कोई बंदो अगर बस आए हो तो कोई बंदो मारो बिन ले और आजे सी वापस ड्रॉप कर दे सी। और एक अपनी ब्रांच है मंडी का जस्ट सम है विकास सीड एंड पेस्टिसाइड्स हूँ, भाभी आपनी खुद की है जी। और कोई भी संपर्क अगर भट्टे बीज का बाजार में हो तो भी मैं फोन कर ले, मैं लोकेशन बता दे, मंडी का एकदम सामने है। बिल्कुल, एक बड़ी सी बिल्डिंग है भी टावर के नीचे है विकास सीड एंड पेस्टिसाइड। बिल्कुल, मोबाइल नंबर और बता। मोबाइल नंबर है मेरा साहब 8696988688 24x7 का ना भी कोई भी किसान भाई ये दुकान भाई अपन फोन कर सके, आप अभी की सेवा का मान उपलब्ध है। बिल्कुल, और रही बात ट्रांसपोर्ट की तो अगर कोई को आबो नहीं हुआ और मैंने फोन कर दियो साहब मत आगा वो सामान चाहिए मन तो आप इन फोन बस में ट्रांसपोर्ट में जी भी भिजवा दे। बिल्कुल, तो भैया है सारे कुछ जानकारी अपन लिया आज आगे करो प्रोडक्ट के बारे में भी और जानकारी किसी के लगी प्रोडक्ट किसा के लगे प्रोडक्ट तो हालांकि यूज करोगा जब तन पता चलेगा। वीडियो किसो के लगे कमेंट करके मैंने जरूर बताओ। राम राम साहब।